Namaskar Jayant. And I think again, I'll speak in Hindi because I say that when I talk about anger and love, I better do it in Hindi. So I'll speak in Hindi. And I always, when I come, this is the second year, and it's a very big learning ground for me. I Firoz, I Jaydeep, I say to everyone, don't call me to speak, because I'm going to speak every place. Okay, fine. I can settle in. So I, anyway, so I'll, no issues. I can show my anger and love in English also. That's not a problem. So basically I always tell them that, you know, please do not call me to speak here because I go and speak at hundreds of forums. And I think these 2 days become very emotional for me personally. And I just want to sit here and absorb. I just want to be all across and just feel, just experience, because मुझे लगता है कि इतनी ये दो दिन इतनी हिम्मत देते हैं आपको पूरे साल के लिए क्योंकि देखिए ये सब अवार्ड्स रिकॉग्निशंस ये बड़े अच्छी चीज़ें हैं बट हम लोगों की लाइफ द पीपल हु हैव डिसाइडेड टू गेट इनटू दीज थिंग्स यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट पावर्टी व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्पैरिटी व्हेन यू टॉक अबाउट द यू नो द सोसाइटी इज़ नॉट इक्वल इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट्स अ वेरी टफ लाइफ बिकॉज सुबह से रात तक आप सिर्फ दुख देखते हैं गरीबी देखते हैं प्रॉब्लम्स देखते हैं और आप उस सब के बीच में होपफुल रहते हैं मैंने तो 2 साल एक एक्सपीरियंस किया था छोटा सा आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूं तो आई उस समय शायद मैंने लास्ट ईयर भी ये स्टोरी शेयर की हो मुझे याद नहीं है बट माई जिद इन दोज डेज यूज टू बी दैट आई हैव टू वॉच चित्रहार तो 3rd June 1987 वॉज वेडनेसडे एंड आई met with a very massive accident. 12th kiya tha maine us samay aur main chitrahar dekhne ke liye koi lift le li thi kisi se bike pe jisse accident ho gaya. And I remained on bed for about 1 year. Every time I used to go to the hospital in hope that I'll be able to walk, I was again admitted in the hospital. Ek saal bita aur usme एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मेरी लाइफ की है वो शायद आप में से बहुत सारे लोग उससे गुजरे हों उस समय मैं दून हॉस्पिटल में एक करेक्ट ऑपरेशन करना यदि होता था मतलब इफ़ समवन वांट्स टू बी ऑपरेटेड दैट पर्सन हैड टू पे 400 रुपीज़ एज ब्राइब टू द लोकल सिस्टम एंड द डॉक्टर और हमारे घर में कभी ब्राइब का भी बात नहीं होता तो मुझे आज तक याद है और शायद दैट वॉज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी आई नेवर न्यू कि लाइफ में कभी ये सब करेंगे हम लोग जिसमें इतना हेल्पफुल होगा मुझे आज तक याद है कि किस तरीके से डॉक्टर ने ब्राइब मांगी ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द ऑपरेशन टेबल एंड द गाय रियली आस्क्ड यू नो फॉर दैट 400 रुपीस इन 1987 एंड माय प्राउड फादर एंड मॉम दे जस्ट सेड नो कि वो हम नहीं कर सकते जबकि आप जानते हैं कि इस देश में रिश्वत को कोई ना नहीं बोलता उस पर नेगोशिएट जरूर करता है बट ना बोलने की हिम्मत नहीं है हमें से बहुत सारे लोगों की और वहाँ जो आपका बेटा ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे है ऑलमोस्ट और फादर मदर कहते हैं ना तो मैं तो ऑपरेशन जैसे तैसे हुआ उसका आज मतलब सो मेनी फ्रेंड्स ऑल्सो डोंट नो दिस बट दिस फुट इज़ अ डिस्टॉर्टेड फुट आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके दुख बहुत बड़े हैं मैं जानता हूँ बट वो मेरा दुख था क्योंकि मैं उस 2 साल के अंदर जो कुछ झेला आफ्टर दैट यू नो बिकॉज ऑफ द लिम्पिंग एंड ऑल दैट एंड छोटा शहर देहरादून खूबसूरत शहर बट छोटा शहर मुझे आज तक याद है कि जब मुझे कोई सड़क पे लंगड़ा बोल देता था या जब कोई मुझे आज तक याद है कि जब ऐसे एक लड़की कहीं नेक्स्ट रोड के दूसरी साइड से क्रॉस कर रही थी और मैं इस साइड में था और एक साइकिल पे जाने वाले लड़के ने किस तरीके से बोला था कि देखो भाई बहन जा रहे बच्चा था छोटे शहर का 12th क्लास का इंसान उस ज़माने में बच्चा होता था तो मैं बच्चा था मैं बहुत उसका दुख मानता था जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बड़ा मेरे लिए बड़ी एक प्राउड की चीज़ थी क्योंकि स्पेशली यदि वो पैर फिक्स नहीं हो पाया है सही नहीं हो पाया तो वो इट हैपेंड बिकॉज माय फादर एंड माय मॉम डिडंट पे ब्राइब इफ दे वुड हैव पेड ब्राइब इट वाज पॉसिबल फॉर मी टू बी एब्सोल्युटली फाइन बट यू नो व्हाट माय पेरेंट्स गेव मी एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल कि यदि उन्होंने ब्राइब दे दी होती तो मैं रिश्वत के पैर पर खड़ा होता और आज मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ दिस इज द स्टोरी ऑफ होप आई फील
हम सभी लोग और शायद इसीलिए दो दिन मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. चुपचाप बैठ के मैं चाहता हूँ कि बाहर बैठ के जलेबी खाता रहूँ और सिर्फ देखता रहूँ, सिर्फ महसूस करता रहूँ इस जगह को. एक और छोटा सा, मैं आज गूंज के बारे में, आई नॉट टॉक अबाउट गूंज, आई नॉट टॉक अबाउट वॉट वी डू. वी सर्टनली वर्क ऑन द नॉन इश्यूज़. और आप उसको किसी भी नाम से बोलिए, आप उसे डिफरेंटली एबल बोलिए या आप उसे डिसेबल बोलिए, सच बात यह है कि देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए द पीपल हु फॉर्म ओपिनियन, द पीपल हु क्रिएट लॉज, उन सब के लिए आज भी ये नॉन इश्यू है. तो मैं आज एक सिर्फ छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये एक इंडिविजुअल की या एक फैमिली की स्ट्रगल से ऊपर उठना इसके लिए बड़ा ज़रूरी है. मैं सिर्फ डिसेबिलिटी के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में तभी बात ना करूं जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो. द डे वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड द डे इज कमिंग, यू नो, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड आई रिमेंबर दैट, यू नो, द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस काइंड जो भी कुछ हुआ करती थी, और उस समय हेल्थ सिस्टम भी इतना एडवांस नहीं था. सच बात यह है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हेल्थ सिस्टम आज भी एडवांस नहीं है क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है. इट्स नॉट दैट द हेल्थ सिस्टम इज नॉट देयर, बट इट्स नॉट एक्सेसिबल. आई फील दैट इफ वी ऑल ऑफ अस, यू नो, जो क्राउड यहाँ है वो तो सब इससे रिलेटेड हैं, बट मैं कहता हूँ कि जो इस हॉल में क्राउड नहीं है वो सभी लोग एक बार आँख बंद करके अपने आस पास की, दे जस्ट इमेजिन 10 फैमिलीज, 15 फैमिलीज, एंड दे विल फाइंड एटलीस्ट वन केस वेयर समथिंग इज डिफरेंट. The time has come that we start taking this work beyond our families, beyond our communities, but as a movement. और यही वजह है कि मैं इस summit को, India Inclusion Summit को, बहुत बड़ा role मान के चलता हूँ. मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही positive काम हो रहा है जिसमें हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी by the grace of God बहुत सारी चीज़ों से day to day में struggle नहीं किया है, हम people like us are exposed. Very important for all of us to really spread the movement. Ek chhota sa effort jo fellowship ne kiya, aur I am privileged ki mujhe ek raat achanak utha ke uska chairman bana diya gaya, jisko aap India Inclusion Fellowship bolte hain. Very beautiful effort, because I think what we are trying to do, we are trying to find some doers. We are trying to find some people who see the lens, you know, problems through some other lenses, जो एक लार्ज स्केल कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, छोटे से शुरू करते हैं. लास्ट ईयर आप लोगों से 5 लोग इंट्रोड्यूस किए गए थे इस फेलोशिप में, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी हाउ द वर्क हैज़ प्रोग्रेस्ड. स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग वेरी वेल. दिस ईयर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैव सर्टेनली ग्रोन, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर से आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, जब भी ये फेलोशिप लॉन्च होती है, all of us need to play a role in reaching out to as large number of people as possible. Is saal 6 log choose kiye gaye hain usme. Fellowship is not about money. Fellowship is not talking about problems. Fellowship is about creating a family of like-minded people. Fellowship is about exposing people from the larger world ki duniya mein ho kya raha hai, aur किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें इस देश में अपॉर्चुनिटी रखती हैं बहुत बड़ा होने का. तो आई हैव टाइम टू स्पीक आफ्टर दिस स्मॉल थिंग फॉर श्योर. लेट मी कॉल अनुषा एंड अमन, जो लास्ट ईयर के फेलोज थे, आप लोग शायद आप मिले होंगे इनसे, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी दैट हाउ दिस ईयर्स फेलोशिप, द एंटायर थिंग इज़ एक्चुअली क्यूरेटेड बाई दीज टू पीपल. So I am leaving it on them. I'm here. So I want them to call all the 6 beautiful people, effort, new initiatives, which will certainly change, you know, the life of some people in this country, and who are always and always for all of us are absolutely inspirations. Over to you. Thank you, Anshu. So the first fellow who I would like to call on stage is Johan. Johan is a physiotherapist, and he has built this fabulous visual guide called No Bedsores, and it's a guide which creates awareness about bedsores for people who are in sedentary positions, and it's specifically targeted for persons with spinal cord injuries. Please give a big round of applause for this wonderful work he is doing. If Firoz is around, why can't he come? Jadeep, why don't you come?
Chalo bhai. Okay. Pleasure. Thank you. And all the best. The next fellow I would like to call on is Aditi. She's a co-founder of Good Goody. Everybody knows that the first time a child is excluded is in the playground. And Aditi wants to solve this problem, and she builds these fabulous, inclusive playgrounds which go beyond your swings and slides and ensures that no child is left behind and everybody has an opportunity to play on in the playground. The next fellow I would like to call on stage is Prateek. Prateek is a co-founder of an organization called GiftAbled. Millions of persons with disabilities in India are still unemployed, and Prateek is trying to change that. He ensures that he has corporate gifting solutions options, which he provides various amazing, very, very creative gifts for corporates. And he ensures that he sources these gifts from persons with disabilities. And by this, he is providing a very meaningful, a very dignified way of learning for millions of persons with disabilities across the country. Fire and desire when it rains, minute pours. Praying for forgiveness so my sins get ignored. Rise against the tides, make a float when they envy you. Spreading out love to my people out of India. Meditation, deep thought, you feel peace. Hold next fellow I'd like to call is Chandni. She has basically invented a device which can allow visually impaired children to self-learn tactile graphics and tactile diagrams. Shashwat, please. So Shashwat works for ID, and they've developed a great software product which allows visually impaired people to be more independent in daily life. Last, I'd like to call upon Dhruv, who is a medical and engineering student. He's actually built a bionic arm, which is 1/10 the price of a regular bionic arm. So, Dhruv. Your mind free, take a deep breath, meditate, and feel free. And his parents are also here. Can I see them here? His parents are also here. Yeah. If you can stand up for a minute. Thank you. I'll just take 2 minutes. So, all the best to all of them. Before I leave, just a couple of things, you know. Why I was saying that it has to become a movement somewhere. You just heard the story from Madhya Pradesh. We work in the remotest parts of the country, and we understand that the problems are the issues are much, much larger in the rural parts of this country. We just, you know, did a small survey in a small area called Darangwadi of Odisha a couple of years back. And you'll be surprised to know that there were about 1,700 cases just in the cluster of few villages where people only needed very, very basic support. I mean, we can call disability or whatever, but the fact remains that even if not the pair of crutch, just the one crutch goes to people, people will start walking. So it's extremely important for us, again, I'm saying, to build up this as a movement, not just limited to when we face something, but let's create as much awareness, as much halla as possible so that people start understanding that there is a huge community which needs to be inclusive, which needs to become a part of it. And because some friends just asked for it, so I am going with the last few lines, which I dedicate to this particular beautiful group and the people you have been watching since morning.
and you will see some more in the next 1 hour. So this is something which I had written long back, and it says, agar neend se pyara hai sapna aur zid ke saath le sakte ho jokhim to ye jagah tumhari hai. Agar bhook lage aur yaad aaye bhookha aur pyaas par talab ek sukha to ye jagah tumhari hai. Agar nahi chahte aag lagana aur chingari hai ek maqsad to ye jagah tumhari hai. Agar aankh nahi par drishti hai, tan ka ek bhag nahi par masti hai, to ye jagah tumhari hai. Bahut bahut shukriya. Thank you.